हेलो एवरीवन, मेरा नाम जैद अली है एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल. आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर जीशान खान, योगेश काकरे सर, मिस्टर राजाशु सर एंड मिस्टर डीपी सिंह सर. लाइक वेरी वेलकम. आज यहाँ अर्थ डे पे हम लोग आज सभी हम इकट्ठा हुए हैं. सो लाइक आई थिंक आई लाइक लोगों का कैरी फॉरवर्ड करें और इस थैंक यू पूरे जैद अर्थ डे भाई। का एक्चुअली मैं आपको बताया. आई थिंक जीशान, आप मैं आपको चाहूंगा कि आप अर्थ डे के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताएं कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज एंड व्हाई वी आर ऑल, आज हम क्यों ज्वाइन हुए हम सब लोग. गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं सब गेस्ट का वेलकम करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सर को इशू हुआ नेट ज्वाइन करने में, हमारा एंकर नहीं है तो वी आर टेकिंग ओवर, सो सॉरी, डोंट माइंड। अर्थ डे जो है, अर्थ डे ये स्टार्ट हुआ था 50 साल पहले, 50 years ago इट स्टार्टेड। टुडे इज द 50th anniversary ऑफ अर्थ डे, और बेसिकली हम अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम अपनी अर्थ को एक स्टेप ले सकें, इनिशिएट कर सकें। ये अमेरिका में स्टार्ट हुआ था, हम इसको इनिशिएट कर सकें ताकि कि हम अपनी अर्थ को कैसे सेव करेंगे, और उसी के लिए हम लोग आज यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं कि हाउ वी कैन डिस्कस ऑन द इश्यूज, करंट इश्यूज एंड द फ्यूचर प्लानिंग, कि हम कैसे हमारी अर्थ को सेव कर सकते हैं। और 50th anniversary जो अर्थ डे की है, इसका जो थीम है वो है क्लाइमेट एक्शन। तो क्लाइमेट एक्शन के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम योगेश सर को इनवाइट करते हैं। योगेश सर, प्लीज शेयर योर व्यूज कि आप बताइए अर्थ डे के बारे में, और हाउ गवर्नमेंट इज वर्किंग, हाउ गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट। सबसे पहले सभी व्यूअर्स को नमस्कार. आई एम योगेश खाकरे, लाइव फ्रॉम बी नेस्ट एंड वॉर रूम सिचुएटेड एट भोपाल स्मार्ट सिटी. सो वेरी ब्रीफली आई वुड लाइक टू से दैट कि इंसान सब कुछ बना सकता है, पर इंसान लैंड नहीं बना सकता, जमीन नहीं बना सकता, अर्थ नहीं बना सकता. जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस इस अर्थ पे अवेलेबल है, लाइक जंगल्स, वाटर बॉडीज, रिवर्स, माउंटेन्स, ग्लेशियर्स एंड द होल बायोलॉजिकल इकोसिस्टम, मैन कैन नॉट रीबिल्ड इट. सो द ओनली थिंग विच ही कैन डू इज टू प्रिजर्व दैट, टू सेव दैट, और उसको सहेज के रखे. एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि जो नेचुरल चीजें हमें मिली है, चाहे वो छोटी से छोटी कोई भी इंसेक्ट हो, अर्थ वॉर्म हो, ग्रास हॉपर हो, बटरफ्लाई हो, इस चीज की अहमियत हमें पता नहीं है. लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर इस दुनिया से छोटे से इंसेक्ट्स जो कि दिखते भी नहीं है, या अर्थ फॉर्म, अगर ये सारे इस दुनिया से खत्म हो जाएं, तो ये ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन स्पीसी 2 साल में पूरी खत्म हो जाएगी, पूरी खत्म हो जाएगी. ठीक है, इसका वैसा वर्षा हम देखते हैं कि अगर मान लो इस दुनिया से पूरे ह्यूमन बीइंग्स ही खत्म हो जाए, पूरे, तो व्हाट विल हैपन? तो दुनिया खत्म नहीं होगी. दिस अर्थ विल रिजेनोवेट, री इवॉल्व. पेड़ अपने ग्रोथ करेंगे, नदियां अपनी एक्सटेंड बढ़ाएगी, माउंटेन्स लश ग्रीन होंगे, ग्लेशियर्स रिफॉर्म होंगे, और ये अर्थ एक नया शेप लेगी, जैसा कि आप लोग अब इस समय, इस पेंडेमिक के टाइम पे देख पा रहे हैं, है ना? तो जो इंसान है वही एक ऐसी स्पीशी है जो कि बिना किसी कारण दूसरी स्पीशीज को नुकसान पहुंचाता है, हार्म करता है, किल करता है. बाकी सारी स्पीशीज अपने आप को सिर्फ जिंदा रखने के लिए ऐसा काम करती है, अदरवाइज वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है. सो द माई व्यू इज ऑन दिस अर्थ डे वी शुड टेक अ प्लेज एट द एंड दैट विल डू कि इस धरती को हमें सहेज के रखना है, इस नेचुरल रिसोर्सेज को हमको सहेज के रखना है, बिकॉज दीज आर लिमिटेड, दीज आर स्केस, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. सो आई थिंक सभी अपना व्यू दे दें, फिर आई विल कम अपॉन द क्वेश्चन वॉट जिशान हैज आस्क्ड टू मी, वॉट गवर्नमेंट इज डूइंग. सो पहले अपने अपने अर्थ डे के ऊपर हम लोग व्यूज रखते हैं, बिकॉज वो काफी टाइम फिर एक ही बट स्पीकर के पास होते हैं. लेट मी वेलकम यू ऑल। लेट मी इंट्रोड्यूस आर गेस्ट ऑफ टुडे टू एवरीबडी।
वी हैव विद अस मिस्टर डीपी सिंह सर, ऑनरेबल चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हु हैज सर्वड एज अ जॉइंट रजिस्ट्रार एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर, एंड ही हैज ऑल्सो हेल्ड द पोजिशन ऑफ परचेज ऑफिसर एट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. Our honorable guest has been another guest is Mr. Raj Ashu, who's the music director. Hello. Very renowned music director in Bollywood, and he has composed several music albums and ad films in his commendable work in movies like Pass Road, and he has also won 2020 Mirchi Award. So congratulations for that Mirchi Award. Thanks a lot, Dishan. And we have with us Mr. Yogesh Khakre sir, who has already spoken, and he's my mentor also, and the chief operating officer of BNEST, which is the incubation center for smart city, and the company secretary as well to Bhopal Smart City Development Corporation. And we have with us Mr. Zaid Ali, who is the renowned line producer and biggest line producer in central India as of now. And I introduce myself as well. Myself is Zeeshan Khan. I'm the founder and CEO of Beyond Smart Group, and I'm an environmentalist by choice. So yeah, let's start now. I would like to ask Mr. Zaid to take over, please. What are your views on the Earth Day today? Okay, I think he's not able to hear us. We can switch to Mr. DP sir. DP sir, can you hear us? Hello, can you hear us, DP sir? Yes, sure. Yes, sir. Yes, we can hear you, sir. Please go ahead. We would like to hear your views on the ongoing environmental issues today, sir. Yeah, first of all, I welcome you all, and I will presently I am working with an Indian Institute of Forest Management as a Chief Administrative Officer, and this is Institute of Ministry of Forest, Environment and Climate Change. So we are very much into it, and we are into policy making, forest policy making. Then we have been involved in the formation of Forest Conservation Act. So I want to say that how the forest is most important thing to our planet Earth, because we have got a very limited resources, and we cannot. And Earth is we have got a finite planet, and we cannot have an unlimited or infinite economic growth. So we need to use our resources in such a manner that our generations, which future generations, can meet their own needs through this planet Earth only. And there are climate change is a buzzword today, and a lot of talk is being going about the environmental pollution, air pollution. And our rivers are being polluted, and you must have read the reports in last 1 month due to the lockdown, how the planet Earth has rejuvenated itself. During the last 30 days we have got very less air pollution, and there is you can see lot of species like birds. Lot there is a clear skies and all those things. So this is a temporary solution we need, but we need to innovate and find new solutions that how can we are able to sustain the growth on the earth with our limited resources. Like you must be aware how the forest is the most important aspect of the earth, as we know from Amazon forest, which is we get our almost 20% of our breathable oxygen from it. And how the forest hydrology, like how the rivers are being cleaned by the forest, which are running through the nearby river banks. So this is the most important thing which I wanted to say. Then other panelists can join. Thank you so much, sir. So the theme
theme for the Earth Day 2020 is climate action, the enormous challenge but also vast opportunities, sir. So talking of them, the distinguished issues as the most pressing topic as of now for the 50th anniversary of the Earth Day 2020, climate change represents the biggest challenge. The future of humanity and the life support systems make our world habitable. So I'd like to ask Mr. Raj Ashu, what are his views on it, sir? Sorry. Rakshita, फिर से एक बार बोलेंगे. जी सर, I was saying कि the theme for the Earth Day 2020 हाँ अक्षिता देखिए क्या है, जैसा योगेश सर ने कहा है कि हम इसे बना नहीं सकते, हम कोई भी धरती को बना नहीं सकते. हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. तो हमारे हाथ में यही है कि हम इसे कैसे कैसे बचा सकें. इसके देखिए क्या है, आजकल इतनी सारी चीज़ें लोगों को एजुकेट की जा रही हैं, हम पढ़ते भी आए हैं, अब मैक्सिमम लोग समझ भी रहे हैं. ऐसा नहीं जैसा सभी डीपी सिंह सर ने कहा कि हम अभी एक महीने के लॉकडाउन में हमने देखा कि कितना पॉल्यूशन कंट्रोल हो गया, कितनी सारी चीज़ें कंट्रोल हुई. तो मेरा भी यही कहना है कि देखिए कैसे कंट्रोल हुई, क्योंकि पब्लिक नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम थे, बंद थे, पॉल्यूशन नहीं हो रहा था. तो मेरा भी ये कहना है कि हम इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी कुछ बेसिक हैबिट से. जैसे कहीं बहुत पास में जाना हो तो अपनी गाड़ी लेके नहीं जाएं, हम पैदल जाएं या साइकिलिंग करें, जिससे हेल्थ भी अच्छी हो और आप आपके मतलब कैलोरीज बर्न हो. तो कहीं ना कहीं आप अपनी हैबिट सुधार करके इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. और इसे देखिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हमने कुछ अच्छा कदम उठाया तो ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए फायदेमंद होगी, उनके आगे की जनरेशन के लिए फायदेमंद होगी. तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा इशू है, हम सब बात कर रहे हैं जिसपे बहुत सारी नॉलेज भी मिले. अभी योगेश सर ने बहुत अच्छी अच्छी बात बोली, डीपी सिंह सर ने बहुत अच्छी बात बोली, फॉरेस्ट की बात बताई कि किस तरीके से हम क्या प्लांटेशन करके किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में. तो हम सबको ये समझना होगा कि हमें क्या करना चाहिए. हमें ईच एंड एवरी इंडियंस को, धरती पे जो भी लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि हमें क्या एक बेसिक हैबिट डालनी होगी जिससे ये प्रिवेंट हो. तो मुझे लगता है आगे चल के सब लोग ये बात शेयर करेंगे और सबका व्यू सुनते हैं, फिर मैं भी बोलता हूँ. Absolutely, sir. Thank you. I would love to have Yogesh sir's view on the same because he is a part of Smart City Bhopal and his view would be distinguished as expected. So, sir, please say something about the pressing topic and the 50th anniversary of the Earth Day 2020. So, before you join, Akshita, I have already shared my view. I can also repeat that we cannot rebuild or recreate Earth or this planet or the land or the natural resources which we have been provided by the God, or it is gifted. So we have to preserve these, all the jungles, all the water bodies, all the glaciers, all the ecosystem. So this is what our view is. We need to make it a sustainable environment so that we can meet our needs from the current resources, also without compromising on the eligibility of future generation to meet their needs. इसका मैं explain करना चाहूँगा कि हमें अपनी ज़रूरतों को अभी के environment से और natural चीज़ों से पूरा करना चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए कि आने वाली generation, हमारे बच्चे या आने वाली पीढ़ियाँ भी इसी natural resources से अपनी ज़रूरतें पूरा करेंगी. तो हमें उनके right को नहीं मारना है या kill करना है, हमें उनके लिए भी ये right exist करते रहना चाहिए. That's my view. Zeeshan, sir, I'd also like to ask, since you are a multinational venture organization dedicated to sustainable development, what are your views on this? Because today is not just something about pollution or, you know, the thing now, but as a whole, we need to develop into a sustainable world, into a sustainable village. So what do you have to say about that? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ मस्ट, बिकॉज देखिए आप देख सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि हम फॉलो करें. यूनाइटेड नेशंस ने हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इशू किए हुए हैं और आज हम जिस पर बात कर रहे हैं वो गोल नंबर 13 है, क्लाइमेट एक्शन. क्लाइमेट एक्शन जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसको आप सिर्फ जो है किसी एक चीज़ से रिलेट नहीं कर सकते. वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम और ये एक रियलिटी है
और जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट जैसे ग्रेटा थनबर्ग जैसे क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, वो इसको इशू को काफी उठा रहे हैं और दे आर टेकिंग इट ऑन अ वेरी ग्रेट लेवल और सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो ये तभी हो पाएगा व्हेन इट विल बिकम अ मास मूवमेंट. हम तभी इसको कर सकते हैं. जैसे आज की कंडीशन हम देख रहे हैं कि आज सारा लॉकडाउन है और ये जो एनवायरमेंट को फायदा पहुंचा रहा है, ऑब्वियसली ये हम इसको अपनी नॉर्मल लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि लॉकडाउन ना करें हम, लेकिन हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा यूज करें और जो है अपनी जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, प्राइवेट जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसको हम कम से कम कर सकें, रिड्यूस कर सकें, क्योंकि ये जो है इम्पैक्ट करने वाला है आगे आने वाली जनरेशन को. अगर हमने अभी एक्ट नहीं करा तो इट विल बी श्योरली बी अफेक्टिंग आर फ्यूचर जनरेशन, और हमें ही उनके बारे में सोचना है, नहीं तो जो है हम कुछ ही साल, कुछ हजार साल, 500 साल सर्वाइव कर पाएंगे और ह्यूमन लाइफ खत्म हो जाएगी. तो वी हैव टू एक्ट नाउ. हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, जो है सी लेवल बढ़ रहा है और मरीन लाइफ इफेक्ट हो रही है पॉल्यूशन के वजह से, और प्लास्टिक भी उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है, जिसमें आगे मैं आपको बताऊंगा इसमें कि क्या क्या जो उसके इल इफेक्ट्स हैं, कैसे जो है हमें इस पर एक्ट करना चाहिए. तो बस मेरा यही कहना है कि हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, और मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि सब लोग जो है इसको एक मास मूवमेंट की तरह लें, क्योंकि जैसे कोरोना वायरस एक बहुत इम्पोर्टेंट डिजास्टर है, ऐसे ही इन अ लॉन्ग टर्म जो है क्लाइमेट जो चेंज है वो भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए नुकसान वाला एक दुश्मन है हमारा, तो हमें उसकी फाइट करना है. अक्षता. I would just like to introduce our honorable guests again, because people have just joined and they are literally waiting for the introductions. So we have with us Mr. D.P. Singh sir, the honorable chief administrative officer, Forest Department, who have served as joint registrar at Indian Institute of Information Technology and Management. We welcome you, sir. We have with us Mr. Raj Ashu, a renowned music composer for sure. He has also composed several music albums and albums. His commendable work has got him the Music Award 2020. Mr. Thakre, a member of the Institute of India, served as the chairman of Bhopal chapter of ICSI. He's having about around 15 years of professional experience in various corporate houses. We welcome you, sir. And Mr. Zeeshan Khan, who is the Indian environmentalist and CEO of Beyond Smart Group, a multi-venture organization dedicated for sustainable development in Europe. We welcome you all, sir. And with the set of questions, I will begin with D.P. Singh, sir. Sir, can you repeat the question? I could not hear what you said. I'll repeat the question, DP sir. Yeah. Forest conservation is important for survival. How forests are living filters? I want to say that forests are the lungs of the earth, because they absorb the enormous amount of carbon dioxide which is available in the atmosphere, and they preserve the plant biodiversity which is there. And you must be aware that tropical rainforests are often called all the lungs of the planet Earth. So once there is a tree cover and there is a lot of oxygen is available in the earth, which will help the planet Earth to rejuvenate itself. So for forest conservation, planting of trees, then having, because you must also be aware that we get of whatever medicines, prescriptions, drugs are sold in the market, almost 120 prescription drugs which are sold in the market are derived from the plants found in rainforest, which are used in cancer, asthma. So we can say the forests are the
living lungs of the earth that way. DP sir, hello. Hello. Yeah. DP sir, another question to you. How do you think that the government is playing in afforestation? And what do you suggest our audience for the afforestation? Please enlighten us. The government have a lot of schemes for afforestation. There are forest departments, local and state governments, which are the nurseries, which are providing plants of different variety. They are advising you. There is a soil test mechanism involved where the other soil departments are involved, which tell you what type of plantation can be there in your field or area where you want to do plantation. And there are certain schemes available. If you go to the where subsidies are given, then you can install solar pumps also for irrigation purpose, where subsidies are given by the government. So using of solar energy will definitely reduce the carbon footprint in the country. We should see for alternative sources of energy like solar energy, wind energy, where the fossil fuels are less used, which can reduce the carbon footprint in the country. Okay, sir, thank you for your views. And now coming to Mr. Raj, sir. Jee. Mr. Raj, I would like to ask you that can Indian cinema call light, camera, climate action? अच्छा है ये light, camera and climate action, ये line ही बहुत अच्छी है. अच्छा, बहुत अच्छी बात है. ऐसा मैं बिल्कुल suggest करूँगा, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम जितना recall करेंगे उतना हम उसके लिए aware रहेंगे. और देखा जाए कि जैसे हम अपने बेसिक चीज़ों को रिकॉल करते हैं कि हमें ये करना है लाइफ में, हमें ये करना है यार, हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी जॉब में आ गए, अब हमें इंश्योरेंस करना है क्योंकि हमारे फ्यूचर सिक्योर्ड हो. वैसे ही हम जितना रिकॉल करेंगे इस चीज़ों को, ये उतना उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा. तो बिल्कुल ये अच्छा पॉइंट है कि हम क्लाइमेट एक्शन को रिकॉल करने के लिए इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा अपने डायरेक्टर्स को कि आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिए. And how Bollywood celebrities and musicians and music directors like you are acting upon this issue, and what are your suggestions to the music industry, to the Bollywood industry, how you can like act to aware people about the climate action, climate change? जी हाँ जी, देखिए जिशान, इसमें हर कोई अभी aware हो चुका है, almost सबको पता है ये बातें. तो बेसिक चीज़ें हैं जो हम सब सुनते हैं, पढ़ते हैं और देखते आए हैं, समझ रहे हैं. गवर्नमेंट ने भी इस पर काफ़ी कुछ कर रखा है. तो जैसे कि आप प्लांटेशन करें और ज़्यादा, जैसे आपने बोला, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, बिल्कुल अच्छी बात है कि जहाँ तक कोशिश करें, और आसपास के लिए आप पैदल चल के जाएँ, और हो सके तो मतलब आप साइकिलिंग करें जिससे आपकी हेल्थ सही रहे. वाटर को आप मतलब वेस्ट ना करें उसे. तो अब बेसिक चीज़ें हैं कि आप कितना उसको फॉलो कर सकते हैं, रिसाइकिलिंग करें. और कहना चाहिए कि देखिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हर आदमी, हर इंसान समझता भी है और जानता भी है. जैसे हमने बॉलीवुड ने भी और म्यूज़िक इंडस्ट्री सब ने, हर किसी ने एक अच्छी सोच है कि हम प्लांटेशन करें. तो मैं सबको ये कहता हूँ मेरी तरफ से भी, और हम लोग करते भी ऐसा, कि हर साल कम से कम एक एक 5 to 10 एक आप प्लांटेशन करें, जिससे कि ये आपकी जनरेशन सीखे भी बाद वाली कि ऐसा होता है, ये अच्छा कल्चर है, और इन्वायरमेंट भी हमारा सिक्योर होता जाए. ये और जैसे वाटर के लिए मैंने बोला कि वो वेस्ट ना करें. कैसे वेस्ट होता है? बेसिक बेसिक हैबिट्स हैं आपकी, कि जैसे हम लोग जो काम 2 मग्गे में कर सकते हैं, वो 10 मग्गे में भी हम लोग को कई बार नहीं होता है. तो वो हम एक मैनेजमेंट बेसिक अगर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे, तो क्योंकि हम अपने एंड पे हम यही सब कर सकते हैं कि हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. हम बना क्रिएट नहीं कर सकते. तो हम इसको प्रिवेंट करने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो अगर हम लोगों ने किया, तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा. और बॉलीवुड कर भी रहा, आप देखेंगे बहुत. अभी मीनवाइल कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था सलमान खान का, जो सलमान खान एक शूट पे साइकिल से गए थे, वो करीब कुछ 10 किलोमीटर्स का है, जो बहुत बहुत पॉपुलर हुआ. वो आप देखेंगे कि अगर एक सेलिब्रिटी स्टार अगर आप 10 किलोमीटर साइकिल से जा रहा है, तो ये हम सब के लिए एक लेसन है
कि हमें भी अगर आसपास की दूरियां हैं तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तय करें या साइकिलिंग करें या वॉक बाय वॉक करें, अपनी हेल्थ के लिए अच्छा है। और ऑलमोस्ट आप फिल्म इंडस्ट्री को देखेंगे तो हेल्थ के लिए ज्यादातर जागरूक लोग हैं, बहुत कॉन्शियस हैं। तो और तो अगर आप हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं तो इनमें ये सब चीज़ें भी आती हैं। तो आई थिंक सब लोग अप्लाई कर रहे हैं इस पर, और मुझे लगता है कि ये वो अब जो जनरेशन भी चेंज हुई है, पढ़ने लिखने वाली जनरेशन आई है, तो समझदारी हर किसी में आ रही है। जैसे गवर्नमेंट आप प्लास्टिक कम यूज करें, गवर्नमेंट ने खुद इस पे बैन लगा रखा है। देन आप पेपर का कम यूज करें, हम अगर एटीएम कार्ड स्वैप करते हैं तो उसमें पूछता है कि आपको क्या स्लिप चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये आपकी बेसिक चीज नॉलेज है कि यार हमें नहीं लेना है पेपर, हम यूज हमें नहीं करना है, ताकि हमारा फॉरेस्ट बचेगा, ये प्लांट्स बचेंगे, ये बचेगा तो हमें हमारा जो, जैसा सर डीपी सिंह सर ने अभी एक बहुत अच्छी बात हुई कि फॉरेस्ट जो हमारे लंग्स है, तो हम इन्हें कैसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे तो हमारा अर्थ अपने आप प्रोटेक्ट होता जाएगा। और अर्थ प्रोटेक्ट होगा तो आगे की जनरेशन के लिए हम, जैसे हमें जो चीजें रिसोर्सेज मिली हैं, हमें अच्छे तरीके से मिल रहा है, वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को मिले, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन को मिले, और अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन वो देख के वो सीखेगी। तो हमारा बॉलीवुड भी इसी तरीके से प्रिपेयर हो रहा है, सब ऑलमोस्ट जागरूक है इस चीज के लिए, सब प्लांटेशन करते भी हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो सिनेमा कैमरा खोलते साथ फ्रेम दिखता है, तो फ्रेम में सबसे ब्यूटीफुल जो नज़ारा होता है आप देखेंगे, माउंटेन्स होता है, पहाड़ियाँ होती हैं, प्लांट होता है। तो ऑलमोस्ट हम लोग तो प्रोटेक्ट करना चाहते ही हैं, प्रोटेक्ट कर ही भी रहे हैं, और चाहेंगे कि जो भी इस चीज़ को सुन रहा हो वो भी इस बात को समझे कि ये कितना एसेंशियल है हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच राज सर, और आपका गाना भी जो है, आपका गाना भी बड़ा अभी आया है, उसको हम सुनेंगे लास्ट में इस सेशन के। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने अपना टाइम भी बहुत हमें प्रीशियस टाइम आपने हमें दिया, आपका इंटरव्यू आया हमारे पास। और अब मैं योगेश सर के पास आना चाहूंगा। योगेश सर, माय क्वेश्चन टू यू इज कि हाउ गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी बीइंग यू बीइंग इन अ स्मार्ट सिटी, and how the government is working for the sustainable development goals and the renewable energy, please. Yeah, thank you, Rishan. So what government is doing, first thing is to diagnose the problem, to identify the problem, then do the diagnosis, and then make certain indicators and parameters to achieve the specified goal to mitigate this problem. So इस तरीके के काफी indicators government ने बनाया है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि टोटल पावर कंजम्पशन इन द सिटी कितना है। जब आप ये जान लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये जानना जरूरी है कि टोटल इलेक्ट्रिकल पावर इन द सिटी डिराइव फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी कितना है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई ऑफ करंट पावर जनरेटेड फ्रॉम ऑल द ग्रिड्स विच इज कनेक्टेड थ्रू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द करंट पावर सप्लाई फ्रॉम ऑल द ग्रिड्स विच इज कनेक्टेड थ्रू सच रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, and then the installed capacity of renewable sources of energy for self-consumption. जैसे कि मैं अभी चैट पॉट में देख रहा था, पूनम जोशी मैडम ने क्वेश्चन किया है कि is there any subsidy for installing the solar power on rooftop for self-consumption? Yes, it is there. So Bhopal Smart City has taken this initiative 3 years back where we are providing 10% of net metering cost as a subsidy, direct subsidy to the person or the citizen, those who are implementing that solution on their rooftop. So the idea is ki hum apne roz ki zarurat ka jo energy ki zarurat hai usko hum khud hi produce kare aur khud hi consume kare, aur hum is tarike se 0% fossil energy ke upar dependent ho. Even ab electric vehicles bhi aane wali to hum usi jo energy ko produce kar rahe hain usse apni kaaron ko bhi drive kare, तो टोटल साइकिल जो रहेगा वो जीरो हो जाएगा, एंड इफ देयर इज एनी सरप्लस आउट ऑफ योर कंजम्पशन देन इट विल बी अगेन गोज बैक टू द ग्रिड। आज की डेट में ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है कि हम ग्रिड को अगर हम एनर्जी वापस करते हैं तो वो हमको पेबैक करेगी, बट यस इट कैन बी एडजस्टेड टुवर्ड्स योर कंजम्पशन। जैसे कि अगर आपका बिल 1000 रुपए आ रहा है तो अगर आपने उसको एक्सेस एनर्जी को ग्रिड में सप्लाई कर दिया 600 रुपए या 800 रुपए का, तो 200 रुपए ही आपका बिल रहेगा, 800 रुपए एडजस्ट हो जाएंगे। तो दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव वी हैव ऑलरेडी टेकन। द नेक्स्ट इंडिकेटर इज पर कैपिटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन फॉर म्युनिसिपल पर्पसेस। तो म्युनिसिपल पर्पसेस के लिए जो जैसे नगर निगम यूज करता है स्ट्रीट लाइट में और इन सब चीजों पे,
तो उसके लिए हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि भाई कितना पावर का रिक्वायरमेंट है और कितना हम रिन्यूएबल सोर्सेस से जनरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इंडिकेटर इज पर कैपिटा फॉसिल फ्यूल रिक्वायरमेंट लाइक डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी कंजम्पशन फॉर म्युनिसिपल पर्पसेस, जैसे कि वेस्ट कलेक्शन जो गाड़ियां घूमती है उसको डीजल लगता है. सो दैट कैन बी स्विच टू द बायोफ्यूल विच कैन बी द आउटकम ऑफ वेस्ट, रिसाइक्लेबल वेस्ट, है ना. तो जितना रिसाइक्लेबल वेस्ट वो कलेक्ट करते हैं उसी बायोफ्यूल्स, उसी से बायोफ्यूल जनरेट करें और उसी से वो गाड़ियां चले. तो दिस कैन बी इनोवेटिव सॉल्यूशन सो दैट वी कैन सेव लॉट ऑफ आवर एनर्जी एंड कॉस्ट. देन अनदर इंडिकेटर विल बी दैट एनर्जी एफिशिएंट स्ट्रीट लाइट इन द सिटी. जैसे कि आप अभी सिटीज में काफी, भोपाल सिटी में या अदर सिटीज में देखते होंगे स्मार्ट पोल्स लगे हुए, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है, जिन्होंने कि पहले जो सोडियम की लाइट थी उसको रिप्लेस किया है विथ मोर एलयूएक्स, 35% ऑफ सेविंग इन द कॉस्ट. एंड जो इंटेलिजेंट स्ट्रीट लाइट्स हैं उसका, उसकी रोशनी भी ज्यादा रहती है और उसका पावर कंजम्पशन भी कम रहता है. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इज ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन. जैसा कि आप देख रहे हैं जिस बिल्डिंग में मैं आज बैठा हूँ भोपाल स्मार्ट सिटी की, इट इज एन IGBC अप्रूव्ड बिल्डिंग, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग जो काउंसिल है उससे सर्टिफाइड है बिल्डिंग, जो कि हमारी बिल्डिंग टोटली नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है, नेचुरल लाइट, नेचुरल पावर, है ना, नेचुरल एयर. तो इससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा नेचुरल चीजों पर डिपेंडेंट है और कम से कम पावर कंजम्पशन करते हैं और रूफ टॉप पे सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं तो अपनी एनर्जी खुद ही जनरेट करते हैं. So these are the innovative solutions through which we can save a lot of energy and a lot of cost. Okay, sir. And as you are... Yes. Yeah. Please. So another question you have asked me about sustainability, I believe. Sustainability, yes, sir. So, So for to understand the sustainability, I have already told in my brief introduction that to meet the needs of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs, this is what is known as sustainability. So in sustainable environment, biological system and urban development both coexist at a time. Hum biological jo ecosystem hai usko hamper na karte hue, usko affect na karte hue apna urban development kare, isi ko hum sustainable smart development kehte hain. So a smart sustainable city is an innovative city that uses ICT solutions to improve the quality of life. ICT is information, communication and technology. So chote se examples mein dunga, jo smart lights aap dekh rahe hain, smart poles, smart roads hum log jo bana rahe hain, intelligent traffic management system jiske through aapke chalans kate jate hain, public bike sharing, shehar mein public bike ki bhi vyavastha hai, aap apna घर से निकल के आप साइकिल करते हुए आप किसी भी जगह जा सकते हैं, अपने वर्क प्लेस पे जा सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट जा सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं. इट्स वेरी स्मूथ एंड वेरी एफिशिएंट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जहाँ पे सभी सर्विसेज का डेटा इकट्ठा होता है और उस पर डेटा एनालिटिक्स होता है. तो दीज आर द ICT सॉल्यूशंस. इस समय हम जिस पेंडेमिक से गुजर रहे हैं उस समय भी ये बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कोरोना ट्रेसेस हो गया, bhopalfightcorona.com हो गया. इसके थ्रू हम ये जान पाते हैं कि आज किस स्थिति में कितने सारे केसेस हैं और वो कहाँ पर हैं थ्रू GIS मैपिंग. तो हमें कंटेनमेंट एरिया के बारे में पता चलता है. डेटा सेंटर पे कॉल्स को रिसीव करते हैं, उसके कॉल्स को उनके रिजोल्यूशंस लेते हैं, मिटिगेट करते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को. डॉक्टर्स की काउंसलिंग हो रही है. आप सोचिए कि अगर ये ICT सॉल्यूशंस, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन नहीं होता, इस पेंडेमिक में हम लोग कैसे सर्वाइव करते, इतना स्मूथली नहीं हो पाता विदाउट दिस ITC सॉल्यूशन. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, लाइक अर्बन सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी. तो सोशल सस्टेनेबिलिटी में आप देखिए कि एजुकेशन के बारे में बात होती, कल्चर के बारे में बात होती, साइंस एंड ICT के बारे में बात होती है. और जो अर्बन सस्टेनेबिलिटी उसमें हम नेचर की बात करते हैं, जिसमें कि आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं. तो एनवायरमेंट की बात होती है, एनवायरमेंट सेक्टर्स के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर रहे हैं. वेदर सेंसर्स हमने लगा रखे हैं, हमें पता चलता रहता है कि कौन से इलाके में, कौन से पार्ट में क्या आज का PQ लेवल है, क्यों आ रहा है, क्या रीजन है, उसका डेटा एनालिटिक्स होता है और उसको मिटिगेट किया जाता है. तो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच वी आर डूइंग. आई विल ब्रीफली मेंशन अबाउट 3 प्रोजेक्ट्स जो कि सस्टेनेबिलिटी को बहुत अच्छे से टेकअप कर रहे हैं. एक आपको मैं बता दूं, जो बायोमिथेनाइजेशन प्लांट हमने बिट्टन मार्केट में लगाया. बिट्टन मार्केट सब्जी मंडी जो भोपाल में रहते हैं उनको अच्छे से पता है, बहुत बड़ी सब्जी मंडी है. वहां पे बायोमिथेनाइजेशन प्लांट लगाया है जिसके थ्रू हम लोग
उसकी कैपेसिटी है 5 टन पर डे की, जो बायो वेस्ट होता है, जो सब्जी का वेस्ट होता है उसको उसको ही हम कन्वर्ट करते हैं टू फॉर्म अ गैस, टू फॉर्म अ एनर्जी। तो उसकी एनर्जी हमने जब से लगाया है तब से अभी तक 2.25 लाख यूनिट हमने प्रोड्यूस किया है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके साथ ही हमने मैन्योर लगभग 18 लाख के रुपीस के मैन्योर हम लोगों ने प्रोड्यूस किए हैं लगभग 500 केजी पर डे की कैपेसिटी पर। फिर लैंडफिल, अगर ये कचरा जनरेट होता तो ये कचरा कहीं ना कहीं लैंडफिल साइट पे जाता, उसको भी हमने मिटिगेट कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमने बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी है, हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व किया है, और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसी सब्जी मंडी में जो अपनी सब्जियां बेचते हैं उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी या पावर का काम कर रही है, वहां की लाइट्स उसी एनर्जी से चलती है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है सोलर सिटी क्लीन एनर्जी, जो कि हम VIP रोड भोपाल में देखा होगा, VIP रोड के साइड एडजेसेंट साइड में तालाब के किनारे हमने सोलर पैनल्स लगा रखे हैं लगभग 1.2 किलोमीटर के स्ट्रेच में। तो उसकी कैपेसिटी जो है वो 500 किलोवाट की कैपेसिटी है, और अभी तक आगे आने वाले टाइम में हम लगभग हर साल उससे 10 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर पाएंगे टू रन दैट करबला पंप हाउस। करबला एक पे एक पंप हाउस है, उसको रन करने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो सेव हो जाएगी, और एनुअल सेविंग हमारी लगभग 60 लाख रुपए तक की होगी। इसी तरीके से ISBT पे सोलर पावर प्लांट लगाया है, ISBT जो बस टर्मिनल है हमारा, उसकी प्लांट की कैपेसिटी 120 किलोवाट की है। टोटल यूनिट्स अभी तक हमने 30 लाख किलोवाट प्रोड्यूस करी है, और टोटल सेविंग्स जो इस प्रोजेक्ट से हुई है वो लगभग 20 लाख की हुई है, और आने वाले टाइम में और भी होगी। और इसी तरीके से मैं जो आपको बता रहा था कि जो हमारे स्मार्ट पोल हैं, लगभग 150 स्मार्ट पोल्स पूरी सिटी में लगे हुए हैं, इंटेलिजेंट LED लाइट्स लगी हुई है 22,000। आप सोचिए 22,000 सोडियम लाइट्स को हम लोगों ने रिप्लेस किया है थ्रू इंटेलिजेंट लाइट्स, जिसका LUX 35% ज्यादा है। सर्वेलेंस कैमरा लगे हुए हैं हर स्मार्ट पोल पे लगभग 100। वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगे हुए हैं जिसके थ्रू हम लोग पूरे शहर में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल साइनेजेस लगे हुए हैं ताकि हम सिटीजन्स के साथ इंटरेक्ट कर सकें। डिजिटल साइनेज के अलावा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग का प्रोविजन भी है, जब आने वाले टाइम में हम EV कार्स या व्हीकल्स यूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को चार्जिंग स्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द स्मार्ट पोल। देन 200 किलोमीटर का फाइबर नेटवर्क भी हमने क्रिएट किया हुआ है सिटी में। तो फिर से अगर किसी को फाइबर नेटवर्क इंस्टॉल करना है सिटी में तो उसको वापस से सड़कों को खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी 200 किलोमीटर के फाइबर से लेट आउट कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम लोग टोटल जो सेविंग है अराउंड 35% तक के हमने एनर्जी सेव करी है, और ये हमारा पेबैक है। तो इस तरीके से कुछ सॉल्यूशंस है जो सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच योगेश सर फॉर दिस यूजफुल इन्फॉर्मेशन, और हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है इसको बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं DP सर से एक चीज पूछना चाहूंगा कि अगर हम जो है कोई ग्रुप स्टूडेंट्स का हम ग्रुप बनाएं और IAFM विजिट करना चाहें कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो हम कर सकते हैं आपकी अगर परमिशन हो तो? क्या आपके स्टूडेंट्स हैं, हम कैसे कुछ आउटरीच प्रोग्राम्स भी चलाते हैं जिसमें हम इनवाइट करते हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स के, ओपन लर्निंग डे का एक हम सिस्टम रखते हैं जिसमें स्टूडेंट्स विजिट करते हैं और हमारे यहाँ की जो फैकल्टी है वो सस्टेनेबिलिटी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन और इस पे उनको बेसिक नॉलेज देती है। और हमारे कैंपस के अंदर काफी प्लांटेशन भी है, डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट्स और बायोडाइवर्सिटी भी मिलेगी आपको। तो यू कैन सी जैसे हमने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अपने रूफ टॉप पे 100 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि जैसे योगेश जी ने बताया वो हमें ग्रिड में जाती है और उससे जो हमें मिलती है। हमने पूरे ही अपने ऑफिस की जो बिल्डिंग्स में LED लाइट और 5-star जो ACs फैंस जो कंजर्व करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को वो सब यूज कर रहे हैं। तो ये हम सब बच्चों को बता सकते हैं और दिखा भी सकते हैं कि कैसा रहता है। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स भी कई एक्टिविटीज करते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, क्योंकि हम एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट चलाते हैं, तो वो बच्चे भी साल में 1-2 प्रोग्राम्स करते हैं, है ना, जिससे वो एक साइकिलिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कराते हैं जिसमें स्टूडेंट्स डिफरेंट कॉलेज स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और उनको अवेयर करते हैं, जो कि भोपाल के डिफरेंट जगहों से गुजरते हुए निकलती है। तो डेफिनेटली है ना, स्टूडेंट्स कैन विजिट अवर कैंपस एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम अवर फैकल्टी। थैंक यू सो मच। नाउ कमिंग टू राज सर,
राज सर का गाना सुनने के लिए सब बेताब हो रहे हैं हमारी ऑडियंस। राज सर ने बड़ा अच्छा सा सॉन्ग लिखा, तो आप प्लीज दो लाइनें उस आपके सॉन्ग की आप जी 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 शान जी शान, ये एक्चुअली जैसा जी जी हाँ, ये COVID-19 पे सॉन्ग है और ये वर्क फ्रॉम होम है, जिसमें बहुत सारे लोग, मैं पहले बता दूं कि कोलैबोरेट हुए हैं, मैंने कंपोज किया है इसको, लिखा है मुरली अग्रवाल ने और इसको गाया है बहुत सारे आर्टिस्टों ने, मतलब वेरियस आर्टिस्ट है जिसमें शान है, अमित मिश्रा है, हमसिका अय्यर है, पायल देव है, सीपी झा है, अनमोल डेनियल है, जावेद अली है, कृष्णा है, तो वो पूरे बॉलीवुड की तरफ से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एक म्यूजिक इंडस्ट्री की तरफ से एक ट्रिब्यूट, एक मैसेज है कि हम क्या कर सकते हैं जैसा ये एक दौर फैला हुआ है। तो मैं मुखड़ा आपको सुनाता हूँ। मदद के लिए हाथ रहे पूरा भारत साथ रहे, मदद के लिए हाथ रहे पूरा भारत साथ रहे, रखनी होगी दूरियां पर दिल से हर कोई पास रहे, पर दिल से हर कोई पास रहे, ये दौर दोबारा आए ना कहीं कोई दिया बुझ पाए ना, हम घर से ही लड़ेंगे इस दौर से आगे बढ़ेंगे, हम सेफ रहे तो रहेगा सेफ, हम और हमारा देश, हम सेफ रहे तो रहेगा सेफ, हम और हमारा देश। ये स्पॉटलैम्प 9XM पे आया हुआ है गाना, आप लोग सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, ये आज ही रिलीज हुआ है। बहुत अच्छा लिखा है आपने इस सॉन्ग। थैंक्स लॉट, थैंक्स, मैं कंपोज किया, लिखा मुरली अग्रवाल जी ने। ओके ओके, बहुत अच्छा कंपोज किया, थैंक्स लॉट, थैंक्स लॉट सर। ये सारी तालियां भी आ रही हैं आपको कमेंट्स के अंदर, और हम हमारे अनुज गर्ग सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अनुज गर्ग सर जो है यंग इंडियंस के जो है चेयर हैं भोपाल के, और उन्हीं की वजह से हम लोग जो है आज यहाँ पे कोलैबोरेट करके CII और यंग इंडियंस के साथ कोलैबोरेट करके इस लाइव सेशन को, इस अर्थ डे 2020 को जो है हम लोग अपने व्यूज शेयर कर पा रहे हैं लोगों तक। क्या बात है, क्या बात है। तो बस मैं भी अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि हमारा एंकर जो है वो थोड़ा सा, उनको इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से मुझे टेक ओवर करना पड़ा तो मैं फ्रॉम बीइंग अ स्पीकर मैं एंकर भी हो गया। तो खैर जो है प्लास्टिक डोनेशन सेंटर पे हम लोग काम कर रहे हैं, प्लास्टिक रिसाइकलिंग पे बेसिकली हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमने कॉन्सेप्ट बनाया है जिसका नाम है प्लास्टिक डोनेशन सेंटर। प्लास्टिक डोनेशन सेंटर बेसिकली जो है एक आइडिया है जिसमें हम लोगों से कहते हैं कि आप अपना प्लास्टिक को दान कर दीजिए आप, क्योंकि हिंदुस्तान जो है एक सारे धर्मों का एक बहुत ही जिसको मानने वाले हैं उनका देश है, और धर्म के अंदर जो है दान का एक बहुत बड़ा जो डोनेशन होता है, डोनेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन इन एवरी रिलीजन एंड इट्स कंसिडर्ड टू बी अ डिवाइन फेथ थिंग। तो हम लोगों ने इसको जो है उन्हीं के इमोशन से जोड़ के कि प्लास्टिक को अपना डोनेट करो, उस डोनेटेड प्लास्टिक से हम क्या करने वाले हैं, उस डोनेटेड प्लास्टिक से हम जो है वेस्ट से हम आर्ट इंस्टॉलेशंस लगा रहे हैं, जैसे कि अभी हमने रिसेंटली भोपाल में एक बहुत ही प्रोमिनेंट एरिया है बोट क्लब, वहां पे हमने उसको लगाया और उसको भूमि पिटनेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस है उन्होंने उसको इनॉग्रेट किया, उसको सपोर्ट किया और हमारे साथ वो भी कोलैबोरेटेड है, आगे भी हमारे साथ काफी इवेंट्स है। विद्या बालन जो है वो हमें सपोर्ट कर रही है इस इवेंट हमारे इसे प्रमोट करने में। बेसिकली आइडिया ये है कि हम प्लास्टिक जो डोनेट करवाते हैं लोगों से उससे हम या तो वेस्ट से आर्ट इंस्टॉलेशंस बनाते हैं जो ब्यूटिफिकेशन में काम आता है, और लोगों को दिखता है कि भाई ये प्लास्टिक से हम ये एक आर्ट इंस्टॉलेशन बनाया, और लोगों को अवेयर करा सके कि इसको आप कहीं पे भी डंप ना करें, इसको प्रॉपरली डिस्पोज करें। नेक्स्ट हम इसको क्या करते हैं, रिसाइकलिंग सेंटर्स को हम लोग इसको सेल करते हैं, और इससे जो रेवेन्यू आती है उससे हम जो है गरीबों की हेल्प करते हैं, सोशल वेलफेयर में उस को यूज करते हैं, ऐसे वेस्ट टू आर्ट इंस्टॉलेशंस बनाते हैं, प्लस जो है हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हम कर रहे हैं। जैसे कि अभी ये जो हमारा आर्ट इंस्टॉलेशन है ये मिस्टर वाजिद खान इंटरनेशनली रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, उन्होंने इसको पूरा डिजाइन किया इस आर्ट वर्क को, और जो है इसके अंदर हमने लगभग आधा टन ऑफ प्लास्टिक हमने यूज किया इसको, और जो है इसको डिजाइन करा, और इसके अंदर जो है उन्होंने ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो है डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से जो आते हैं,
रैक पिकर्स जो हैं उन लोगों को उन्होंने इस आर्टवर्क में ट्रेन किया जो आगे जाके खुद एक आर्टवर्क बना सकें और एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया बना सकें। तो जो है ऐसे हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें हम लोग जो यंग लोग हैं उनको इंस्पायर कर रहे हैं कि जो है आप प्लास्टिक के ऊपर या जो रिसाइकलिंग है इसके ऊपर फोकस करें। और प्लास्टिक जो है वो भी आज के टॉपिक से बहुत ज्यादा रिलेटेड इसलिए है क्योंकि प्लास्टिक जो है वो फॉसिल फ्यूल से बनता है। तो जितना ज्यादा डिमांड अभी जो है बढ़ती जा रही है, ट्रिपल, 4 times, 5 times, 10 times हो गई है डिमांड जो है, और ये आगे बढ़ती जानी है डिमांड, क्योंकि प्लास्टिक जो है सारा पैकेजिंग मटेरियल्स में यूज हो रहा है, प्लास्टिक जो है काफी मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है। तो ये डिमांड जैसे जैसे राइज हो रही है, हम लोग फॉसिल फ्यूल्स जो है हमें और बनाने पड़ेंगे ताकि और एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे हमें ताकि हम प्लास्टिक को बना सकें। तो जितना ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा जो है एनर्जी कंजम्पशन होगा और उतना ही ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग में हम राइज करेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा जो है इट्स अ बिग प्लेयर जो कि दिखता नहीं है। हम लोग जब भी क्लाइमेट एक्शन की बात आती है, क्लाइमेट चेंज की बात आती है, तो वी ऑलवेज फोकस ऑन कि हाँ वो आइस कैप पिघल रहा है ड्यू टू पॉल्यूशन, ड्यू टू द कोल, और ड्यू टू कार्स जो हम चलाते हैं, व्हीकल्स चलाते हैं। ये प्लास्टिक ऐसा है जो दिखता नहीं है हमको कि क्लाइमेट चेंज में ये कैसे असर करता है। तो ये जो है इसका डिस्पोजल से लेके एवरी स्टेज, एट एवरी स्टेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन टू प्रोडक्शन टू टू व्हाट यू कैन से डिस्पोजल, ये हर स्टेज पे पोल्यूशन क्रिएट करता है, हर स्टेज पे एमिशन करता है, ग्रीन गैस एमिशन होती है इसके, इवन आफ्टर डिस्कार्डिंग ये जो है ग्रीन गैस एमिशन भी करता है, प्लस वहां से बच के अगर चला जाइए तो ये चला जाता है डंप होके हमारी ओशंस में, और वहां ओशंस में जाके जो है ये जो है हमारे जो मरीन लाइफ है उसको अफेक्ट करता है, मरीन इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है, और जितने भी जो मरीन एनिमल्स हैं इनको ये खत्म कर रहा है धीरे धीरे, प्लैंकटन्स को खत्म कर रहा है जो कि इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। तो ये कर रहा है, और प्लस जो है एक स्टडी है जो कहती है कि बाय 2050 जो हमारा जो मछलियां हैं वो प्लास्टिक जो है मछलियों से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 2050 के अंदर जो है देयर विल बी मोर प्लास्टिक देन फिश इन द ओशन। सो इसको सारी चीजों को जो है हमें देखना है, कर्व करना है हमें, और इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आज ज्वाइन हुए हैं। अर्थ डे जो है हमारा जो है इसीलिए हम आज जो है यहाँ जमा हुए हैं और यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और हमारे सारे गेस्ट जो हैं उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, थैंक यू कहना चाहते हैं हमारे गेस्ट का कि वो उन्होंने अपना प्रीशियस टाइम निकाला और हमारे बीच में आए। और अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आ रहे हैं। What are the opportunities for job for youth to work for nature? So I would like Mr. Yogesh sir, as you are very closely connected to the incubation, to the startups, you are very closely working with all those people. So aap please hame bataye ki what are the opportunities for jobs and youth to work for nature? Sir, we can't hear you, please. Hello? Yes, you are audible now. Yeah. So, the opportunities in terms of job, you can very well tell, being an employer. And opportunities for startups, yes, I can tell, being running an incubation center. I can say that there are a lot many impact startups, like those who are working for waste management, recycling of waste. One of startup is Zishan only. So, and another is the Kabadiwala. I'm closely working with them. So what they are doing is they are collecting the recyclable waste from all the households and then taking into the landfill site or the transfer station
and then identify the recyclable waste through which we can produce the biodiesel also, and through which we can recreate something which is curbing the production of new plastic in the market. So this is how these startups are working and growing very fast. They have fetched few crores of rupees in a span of 2-3 years, and they are giving an opportunity to you at the very nascent stage. If you are working with them, you can have an opportunity to work as a CXO at the very initial stage. So if you are passionate, if you are willing to join a startup instead of any big company, then you cannot imagine the future, or you cannot imagine the opportunity what you are having with working with startup. For as an employment also, you can join with them, and as a co-founder also, you can join a startup and flourish your business model. Okay, thank you so much, sir. There's another question by our co-presenter, Mr. Anuj Garg, who is the chair of Young Indians CII. This question is to Mr. DP Singh, sir. DP Singh, sir, how IIFM can work with Bhopal Municipal Corporation or any municipal corporation? DP Singh, sir. I think he can't hear us. And we can take another question by Deepak Singh. Deepak Singh is asking how to donate plastic. Is there any collection point? Yes, Deepak. You can donate by going to the website. Aap wahan pe jaake, we can do a pick and drop, pick up facility we have. And there are collection centers also. If you are from Bhopal, the collection center, there are 3 collection centers near Moti Masjid, and 2 at Samadhan Kendra near Minto Hall. If you are in Haryana, we have this center in Faridabad Central Park. If you are in Delhi, we have this near Connaught Place. If you are in Mumbai, we have this in Bandra West. So I think we can conclude all the discussion that we have done. And I would thank everybody who has joined, who has all the viewers as well, actually, for joining us and listening to us, and all the speakers who made this event possible today. And a special thanks to Bhopal Municipal Corporation for support, for being our supporting partner, BNEST for our supporting partner, and our co-presenter, Young Indians and CII. And thank you, Mr. Raj sir and Yogesh thanks, sir. Thanks, Dishan, thank for calling us here. There's one video coming in. There's one video coming in from this young lady. We can take this video. Video question is there. Just a moment. Hello everyone, I'm Garima Thakur. I'm 15 years old. I've been participating in the Fridays for Future movement for over a year now. So my question is, solar geoengineering has been proposed as an efficient way to curb the climate crisis and global warming by reflecting the incoming solar radiation. So how affordable is it for a country like India, which has a developing economy? And to what extent can we adopt a program of solar geoengineering all over the world? Thank you. I would like Yogesh sir to answer this question. It's a bit technical question. For viewers, I would like to explain what is geoengineering. So geoengineering is the process through which you can reflect the solar radiation
to cool off the planet so that the solar radiation will not reach to the planet Earth. So in simplified way, this is the solution which can be discussed across the world. And since last year, 10 years, it has been in discussion in India also. So Department of Science and Technology is working and discussing and issuing the research papers on this. But to be very frank, in my view, an Indian perspective, because we are still largely depending upon the agriculture, and agriculture is depending upon the natural source of water, that is rainfall. But because due to this reflection of solar radiation, it will affect our biological system, the weather cycle. Our weather cycle is prone to be affected due to this. So I am a bit skeptical that this can raise some issues towards our agriculture-based economy. So yeah, but in certain parts of our country, those are totally switched to urban urbanization. We can have such solutions, or in some parts where we are still depending upon the agriculture, and in rural area we are living, there we need not have to touch upon such solution. We can think upon some other solutions. But I am not the person to decide upon. Department of Science and Technology are discussing the issues where we can do this. But yes, in across world, where more than 80 in Europe or America, more than 80% of population is urban population. So yes, they can have such solutions to be implemented there, but not in India as of now. Thank you. Okay, thank you so much, Yogesh sir, for answering the question. And now I would like Mr. Raj Ashu sir, yeah, to I'll just play the song. I'll just play your song now, and we'll end this session. Thanks, as you're already late. Rishan, I would like to remind you about the pledge you have to take. We have to take at the end of. Yes. Thank you so much for reminding me, sir. And we have to take the pledge that we'll keep our earth green and clean. Let's have this pledge today that we'll have this. We'll work on sustainability. We'll take the climate action. We'll use less private transport and use more public transport, and we'll switch to the e-vehicles, e-rickshaws, e-transportation, and we'll pledge to make our world a cleaner and greener. And one more thing I need to initiate today here is that from this platform I am launching another campaign today. That is dispose safely. As we already know that ke jo hai COVID-19 ke andar jo hai hum gloves aur mask kafi sare hum log use kar rahe hain aur hum log jo hai usko kahin pe bhi fek rahe hain. So I would request you all to please dispose safely, because jo hai ye virus contain kar sakta hai aur hamare jo workers hain, jo cleaners hain, jo hamare housekeepers hain, unko affect kar sakta hai ye. Aur यू नेवर नो कि कहाँ पे वायरस है कहाँ पे नहीं है. तो प्लीज इसको जैसे आप मेडिकल वेस्ट डिस्कार्ड करते हैं, जैसे आप सैनिटरी नैपकिन डिस्कार्ड करते हैं, वैसे ही आपको इसको प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए. तो आज से ये कैंपिंग हम लोग स्टार्ट करें. राज सर, आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल्सो कि आप भी इसको जो है शेयर करिए सब जगह. बिल्कुल शेयर करूंगा और सारे सिंगर्स से अगर आप इसको बुलवा सकें कि डिस्पोज सेफली. हम लोग जो है हैशटैग भी हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं, हैशटैग डिस्पोज सेफली के नाम से हम लोग इस कैंपिंग को फ्लोट कर रहे हैं. बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. योगेश सर से भी मैं बोलूंगा कि सारे जो स्टार्टअप्स हैं हमारे, जितने भी हमारे जो है हेल्थ क्रम, जैसे कि हमारा एक बहुत अच्छा स्टार्टअप जो काम कर रहा है लोगों को अवेयर कराने में, उनसे भी मैं बोलना चाहूंगा कि ये इस